हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। सो पहले हमने किया है वर्क एंड टाइम पर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस थे, ट्रिक के साथ क्वेश्चंस किए हैं। अब कर रहे हैं हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब इन्हीं क्वेश्चंस की आप सीरीज अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यदि एक्स का मान y के मान से 25% अधिक है। देखो x का मान जो है y के मान से 25% अधिक है। ऑब्वियस है x बड़ा है तो y छोटा होगा, तो y का मान x के मान से कितना कम है ये बताना है। तो y हमने बताना है कि x से जो है कितना कम है। अगर एक चीज़ ज़्यादा दे रखी हो दूसरे को उससे कम पूछा जाए तो हमने क्या करना है, अधिक दे रखा है तो फॉर्मूला आप लगाओगे जितना अधिक दे रखा है। मान लो मैं 25 को k मान रही हूँ, ठीक है, तो क्या करना है, k मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस k, ठीक है। अगर यहाँ पर अधिक की जगह दिया होता कम दिया होता तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना था, k मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस k। बस आपने इतना ही फॉर्मूले को यूज़ करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो अधिक दे रखा है तो हम किस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को, ठीक है। सो अपने पास k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 25, तो k की जगह लिख दिया 25 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 25। कितना हो गया ये, 25 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 125, ठीक है। 25 5 125 और ये कैंसिल हो गया 20 पर, तो 20% ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब x में 20% वृद्धि होती है, तो x में 20% वृद्धि हो रही है तो किसके बराबर है ये, y के बराबर, और जब y में 50% की कमी हो तो ये z के बराबर है। तो देखो x के अंदर अगर आप 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो वो y के बराबर है, और y में जब 50% की कमी कर रहे हैं तो ये किसके बराबर है, z के बराबर। तो ये बताना है कि x का कितना परसेंट मतलब मान लेंगे k परसेंट z के बराबर होगा, हमने ये बताना है। तो वृद्धि जब करते हैं ना तो हमेशा यह ब्रैकेट में 1 प्लस करके करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस ये होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट याद ना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और आराम से आंसर आएगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो x का कितने परसेंट जो है z के बराबर है। देखो यहाँ पर x के अंदर वृद्धि कर रहे हैं तो y आ रहा है, y में कमी कर रहे हैं तो z आ रहा है, तो ये एक साथ एक की चैन बन रही है। तो ऐसा अगर बनता है तो हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, पहले जो वृद्धि हो रही है क्या लिख देंगे, 100 प्लस 20, ठीक है, जितनी वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद 50% की कमी हो रही है नेक्स्ट चेन में, तो 100 माइनस 50% की हो रही है तो या 100 माइनस 50 डिवाइड बाय, आपने क्या करना है, इसका भी एक 100 लगाना है और इसके नाम का भी एक 100 लगाना है, ठीक है। आप और मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंट निकालना है, परसेंट निकालने के लिए लगाना है मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू, ठीक है। सो ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 50 बाय में एक ये 100 से 100 कैंसिल डिवाइड बाय 100, इसकी भी दो जीरोस कैंसिल, ये आ गया 60% इसका हुआ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 का कितना परसेंट 90 है, ठीक। तो देखो 150 इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई गुना, कितना परसेंट हम कह देंगे एक्स परसेंट, कितना को कह देंगे एक्स, ठीक है, परसेंट को क्या कहेंगे डिवाइड बाय 100। 90 है मतलब इक्वल में 90 है, सॉरी 900 लिख दिया गलती से, इक्वल में कितना है 90 है। सो सॉल्व कर दो इसे, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10 एंड ये जाएगा 30 पर, ठीक है। x डिवाइड बाय 2 कितना आया, 30 आया, ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये आ गया 60, फिर से इसका 60% आंसर होगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, तो अगर हम टोटल 100% माने, 100% में से 2% ने भाग नहीं लिया तो इसका मतलब कितने परसेंट लोगों ने भाग लिया, 98% ने, ठीक है।
500 मत अवैध थे। अब जो 98% है, हम मान लेते हैं कि जो टोटल वोट थे, टोटल मत थे, वो अगर x है, ठीक है। अब जो टोटल मत x में से 98% ने तो मत डाले, ठीक है, x के 98% ने मत दिए, लेकिन ये इन मतों में से अवैध थे। कितने अवैध थे? 500। तो 500 अवैध थे, मतलब हमारे पास अगर हम टोटल मत में से अगर हम अवैध को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? वैध मत मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो वैध मत होंगे, इसके अंदर से इसको माइनस करके मिलेगा, ठीक है। तो वैध मत कितने हुए? वैध मत हो गए एक्स मल्टीप्लाई बाय 98%, हटाया परसेंट के नाम का आया 100, माइनस में 500 इक्वल टू वैध मत, ठीक है। ये आ चुके हैं हमारे पास वैध मत, ये हमने एक टैग बना लिया, ओके। फिर उसके बाद दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं, ए बी को 200 मतों से हरा देता है। यानी कि क्या है, ये कह रहे हैं कि ए बी को 200 मतों से हरा रहा है, यानी कि ए के पास बी से ज़्यादा मत है, या हम कह सकते हैं कि बी के पास ए से 200 मत कम है तो ही वो हार रहा है। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना मत डाला है, ए के पक्ष में मत डाला है, तो किसने? 43% ने, ठीक है। तो ए को 43% ने दिया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। अब देखो, अब जो भी मत है वो हमारे पास क्या है? वैध मत है। वैध मत में 43% जो है किसके? एक्स का। टोटल का 43% ए को मिला, ये ए को मिला, ठीक है। टोटल वैध मत ए को भी मिलेंगे और बी को भी मिलेंगे, तो ए को भी मिला और बी को भी मिला। ए को कितना मिला? टोटल का 43%, ठीक है। और बी को कितना मिला? बी को कितना मिला? ए से 200 कम, है ना। तो ए से 200 कम मतलब ए का 43% में से 200 कम बी को मिले। ये वाला मैंने लिखा है ए के लिए और ये लिखा है बी के लिए, ठीक है। बी ने कितने लिए हैं? ए का 43% जो था उसमें से 200 कम बी को मिले, और ये वैध मत। अब वैध मत इक्वल में क्या आया है? 98x बाय में 100 माइनस में 500। बस हमारे पास जो इक्वेशन चाहिए वो बन चुकी है, इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास आ जाएंगे टोटल जो वोट थे वो, क्योंकि जो टोटल वोट है उसको हमने क्या मानना है? x मानना है, ठीक है। अब हम कर देंगे इस इक्वेशन को सॉल्व। तो देखो, x का 43% को, x का 43% ये कितना हो जाएगा? 43x बाय में 100। फिर से x का 43%, यानी कि 43x बाय में 100 माइनस में 200 इक्वल टू 98x बाय में 100 माइनस 500, ठीक है। अब ये वाला माइनस 500 यहाँ के प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 200 प्लस का 500 इक्वल टू, ये 98x बाय 100 है। अब ये वाला और ये वाला दो बार है, तो 43 और 43 कितने होते हैं? 86। तो 86 प्लस का 86 एक्स बाई 100 बनेगा, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस के 86 एक्स बाई में 100, ठीक है। इतना काम हुआ। अब हमने सिर्फ इसको सोल्व करना और हमारे पास आंसर हो जाएगा कि क्या आंसर आता है इसका। सो 500 माइनस 200 होता है 300, विच इज इक्वल टू 98 माइनस 86 कितना होएगा? 12x बाय में 100, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे सॉल्व। तो देखो, x कैसे निकलेगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 12, क्योंकि यहाँ ये ऐसे 12 बाय 100 है, यहाँ पर ये रेसिप्रोकल करके लिखा जाएगा। तो 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 फाइव ज़ा 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 2500। अब है कि नंबर ऑफ वोट्स, यानी कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। हमने क्या किया था? जो 98% थे, 98% के हमने x को टोटल माना था, है ना। तो हमने क्या बताना है? डाले गए कुल मतों की संख्या, यानी कि हमारे पास 25 जो था, 2500, उसका 98% लेंगे, क्योंकि 98% था इसका x का, तो बाय में 100 करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने परसेंट में निकाला है,
इसको हम कर देंगे सोल्व, नहीं 100 हम लगाएंगे इसमें, बाय में 100, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और 98 की 25 से कर देंगे हम प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा, 245 0, तो यानी कि ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका, करेक्ट रहेगा। अब सेम वैसा क्वेश्चन जैसा फर्स्ट किया था, यदि पी क्यू से 40% कम है ना, अब कम की बात आ गई, तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक होगा। मैंने बताया था कि 100 मल्टीप्लाई बाय के करेंगे, लेकिन कम हो तो 100 माइनस के कर देंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय के कितना होएगा, 40% डिवाइड बाय 100 माइनस में 40, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 40 बाय में कितना आ गया, 60। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6, कितना हो गया, 200 बाय 3, तो यानी कि ये 3 6 18 3 6 18.66 हमारा चलता रहेगा, यानी कि ऑप्शन टू क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए, ठीक है, ये अंक प्राप्त किए हैं और फिर भी वो 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो, यानी कि उसको जब पास होना था, पास होने के लिए उसको 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है, लेकिन वो 20% उसको अंक और चाहिए थे, यानी कि उसको अगर 20% और मिल जाते है ना, तो वो पास हो जाता। यदि उत्तीर्ण अंक 40% है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले टोटल जो अंक थे वो कितने हैं, वो x मान लेते हैं, ठीक है। अब पास होने के लिए उसको जो उत्तीर्ण प्रतिशत है, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 40%, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है, तो उत्तीर्ण मतलब पास होना, तो ये तो है 40 इक्वल में, ठीक है। लेकिन 40 किसका है, प्रतिशत है एक्स का, एक्स का 40%, प्रतिशत के लिए डिवाइड बाय 100 लगा देंगे, ओके, इक्वल में ये हो गया 40 प्लस 20% किसका, एक्स का 20% होगा, तो ये हो जाएगा 20x बाय में 100, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, ये 0 से 0 हुई कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, तो 2 बाय 5x ये आ गया इक्वल टू 40 प्लस 25 100, तो ये x बाय 5 ये आ गया। ये x वाले एक साथ कर लेंगे, यहाँ के ये माइनस हो जाएगा, 2 बाय 5x माइनस 1 बाय 5x इक्वल टू 40, विच इज़ इक्वल टू 1 बाय 5x इक्वल टू 40, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 5, विच इज़ इक्वल टू 200, यानी कि ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है, यानी कि उसने पाए कितने, 40, फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, है ना, यानी कि उसको अगर पास होना था, उत्तीर्ण होना था, तो उसको 40 में 20% और चाहिए थे, लेकिन 20% किसके, टोटल के, तो टोटल को अगर हम एक्स माने तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ एक्स आएगा। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है, ये तो पीछे वाला रिपीट हो गया, 200 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 480 के 75%, देखो 480 के मतलब गुना 75% को हटाएंगे डिवाइड बाय 100 प्लस में 750 का 48%, 750 का मतलब मल्टीप्लाई 48 बाय 100, ठीक है, इसको करना है सोल्व, दोनों का 100 है, सोल्व करेंगे। देखो सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ से 48 और 75, यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाय 75, दोनों में कॉमन आ रहा है इनकी प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ है ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक बार यहाँ से एक जीरो को कैंसिल कर देती हूँ मैं, ओके, जितना कैंसिल होता है उसको कर लेंगे सोल्व, 2 2 4, 2 4 8 और 2 5 10, 5 1 5 और 5 2 5 5 25, और यहाँ से भी सेम कट होएगा, ये या 24 बनेगा एंड यहाँ पर 15 बनेगा, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 15, है ना, तो क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 24, क्योंकि दो बार है ये,
और मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज़ इक्वल टू, ये कितना होता है 360, 360 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 720, यानी कि ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि के का 200%, के का 200% मतलब के मल्टीप्लाई बाय 200% हटा के डिवाइड बाय 100 माइनस 50 का मतलब मल्टीप्लाई के प्लस में 2%, ये के प्लस 2 डिवाइड बाय 100, इसको ब्रैकेट बना देंगे वरना 50 के साथ दिखेगा और 2 के साथ नहीं दिखेगा, है ना। इक्वल के है तो के का मान निकालना है, सॉल्व करना है, बस ये 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, 5 एकम 5 12 दूनी 10, है ना। तो ये हो गया 2k माइनस के प्लस 2 है, ये यहाँ k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू k। अब यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, 2 इसके साथ चला जाएगा और 2 इसके साथ चला जाएगा, ये हो गया 4k माइनस में k प्लस 2 इक्वल टू 2k, तो 4k माइनस अंदर लेंगे तो दोनों के साइन माइनस हो जाएंगे, माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 2k, तो 4k माइनस k कितना होता है 3k, और ये वाला 2k भी यहाँ के माइनस हो जाएगा और इक्वल में चला जाएगा ये वाला 2, तो k इक्वल कितना आ गया 2, तो यानी कि ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 980 का ऑफ है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 12%, 12 बाय में 100 माइनस में 450 का कितना परसेंट, तो 450 गुना में कितना मतलब x मान लेंगे, ठीक है, परसेंट बाय में 100 हो जाएगा, इक्वल में 227 ऑफ मतलब का 30%, 30 बाय में 100, यानी कि हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो इसको कर देंगे सोल्व। देखो सबके बाय में 100 है, ये कैंसिल कर दिया, ऊपर वाले सोल्व कर दो, बात खत्म। तो ये कितना है 980 है, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा कितना 227 मल्टीप्लाई बाय 30, और ये वाला माइनस का है यहाँ के प्लस का हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। सो जितना सोल्व हो सकता है उसका उतना हम करेंगे इसको। तो देखो इसमें और इसमें 30 कॉमन आ रहा है, 30 कॉमन लेंगे तो यह बचेगा 98 गुना में 4 माइनस में, यहाँ से 30 कॉमन लिया ये बन गया 227, और यहाँ से भी 30 जैसे कि अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा 15 3 45 गुना में एक्स, तो 30 से 30 तो हो गया कैंसिल, ठीक है। 98 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32, 4 9 36 और 3 39, 227 इक्वल टू 15x, ठीक है। तो इसको इसमें से कर देंगे माइनस, 12 में से 7 गए 5, 8 में से 2 गया 6, ओके, और ये 165 और इक्वल में 15x, और 15 को इससे डिवाइड कर देंगे हम, 5 3 15 और 3 ये 11 पे गया, तो यानी कि ऑप्शन 4 रहेगा करेक्ट।